सो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है। काफ़ी सारे पार्सल आ रहे हैं मेरे पास जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, कोई कहीं फंसा हुआ था, कुछ कहीं फंसा हुआ था। तो आज मुझे जोमसो से मैंने बहुत अच्छे अच्छे लहंगे मंगवाए हैं। ओ माय गॉड, इस बार तो मेरी मतलब इस बार इतनी अच्छी क्वालिटी है ना, एकदम सुपर क्वालिटी है। मतलब जैसा लग नहीं रहा कि 2000 और 3000 रुपीज़ के लहंगा है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। पर्पल के मेरे जो प्रोडक्ट आने वाले थे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से प्रोडक्ट हैं, वो कब से 21st को आए हुए थे, कब से आने वाले थे, हैवी रन के कारण यहाँ की ईकॉम एक्सप्रेस इतनी घटिया है ना, इनकी सर्विस अटके हुए थे, वो नहीं आ रहे थे, वो भी आ गए। और जो मेरी बैंगूट से सामान आने वाली थी, वो भी दो प्रोडक्ट आज फिर आ गए हैं, और बस एक मेकअप सेट बाकी है, फिर मैं वो वीडियो बना सकती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या क्या आया है आज। सो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं चेक करी थी। इसमें ओनली लहंगा है, बस ये एक ब्लैक कलर की साड़ी है, और सारे लहंगा बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे पर्सनली सारे लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। सारे आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट कलर में मैंने मंगवाए हैं। और इस बार मैं सोच रही हूँ लहंगा की हॉल नहीं करने वाली हूँ, मैं इसके रिव्यू मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ मेकअप के साथ। तो ये लहंगा बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही ये वाली लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये सभी ही बहुत खूबसूरत है, बट तो ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। फिर ये पर्पल के थोड़े से प्रोडक्ट आए हुए हैं, ये मैंने बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप जो बहुत ही अच्छे होते हैं ब्लू हेवन के, वो मैंने मंगवाए हैं। एंड ये वाली क्रीम मुझे जल्दी इसकी रिव्यू करनी है, बहुत ही अमेजिंग क्रीम है ये, कोरियन क्रीम है। फिर इसमें आई थी मेरी मूनलाइट, ये आप देख सकते हो मूनलाइट है, तो मूनलाइट को मैंने चार्ज में भी लगाया हुआ है। और ये है मिनी, क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग मशीन, मेकअप ब्लेंडर वगैरह को वॉश करने के लिए। तो इसे टेस्ट करना होगा ये कैसी है। और इसमें आई थी मूनलाइट, मैं मूनलाइट आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप, ये है मूनलाइट जो मैंने अभी चार्ज में लगाया हुआ है। इसे ऑन करके देखूँगी ऑन होती भी है या नहीं होती, क्योंकि ऑन ऑफ हो रही थी। तो इस तरह की ये मूनलाइट है जिसे मैंने चार्ज में लगाया हुआ है, अभी मैं देखती हूँ। वैसे भी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊँगी, मैं हॉल में आपको दिखाऊँगी, फिर भी आपको ऊपर ऊपर से प्रोडक्ट दिखा दे रही हूँ। तो ये आया हुआ है गाइज, ये सारी चीज़ें आज आई हुई हैं, और फिर ये सारी चीज़ों की भी वीडियो बनानी होगी, बहुत सारी वीडियो बनानी है, बट अभी ये सारी पेंडिंग में ही रहेंगी। और वोगम फैशन से भी मैंने एक सूट मंगाया है, वो भी आ चुकी है, मंगवाया है हाँ, मतलब बनवाया है। मुझे एक नायका फैशन में मुझे एक सूट रेड कलर की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो मैंने वोगम फैशन ऐप से बनवाया है, और वो भी आ चुका है। तो थोड़ी मोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, और अभी देखते हैं। बहुत सारे काम है घर में, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आज का वेदर ऐसा है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। धूप नहीं है आज, बादल है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब सोने वाला मौसम है कि बस सो जाओ। और खाने में क्या बनाना है वो भी देखना है, पता नहीं क्या बनाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, देखते हैं, चेक करते हैं क्या बना सकते हैं। सो अभी शाम के 5 बज चुके हैं, एंड आज मैंने बोला था नितेश को कि आज प्लीज़ जल्दी आ जाना, कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए जाने हैं, और तीज के पेड़कियाँ बनाने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी, खोआ लेना है। तो मुझे लगा कितना मिल्क को बॉईल करके सुखाते रहो, उससे अच्छा कि खोआ ले आओ, तो वही लेने के लिए जाना था। और कल आ रहे हैं मम्मी लोग, तो सब लोग कल रात में आएंगे, तो मैं सोच रही थी कि आज सब कुछ लेकर के आ जाती हूँ, कल सारा दिन प्रिपरेशन में चला जाएगा। पिड़किया के लिए मसाला वगैरह बनाना है, मतलब वही खोआ बनाना है, और जिस चीज के एक दिन पहले हम लोग मिलके पिड़किया बना लेंगे। तो अभी मैंने उनको कॉल किया तो बोलते हैं कि नहीं लेट होगा, किसी से मिलने के लिए जाना है। मूड ख़राब हो गया है अभी, अब कहाँ क्या करूँ, मुझे मतलब अकेले जा के ला सकती हूँ, पर पता नहीं यार अकेले जाने का मन ही नहीं होता है मुझे। और ढेर सारी सब्जियाँ लानी थी क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, तो सारी सब्जियाँ लानी थी, कुछ कुछ प्रसाद के लिए चीज़ें लेनी थी। और ये आप देख सकते हो कप्सी, एंड इधर क्लब फैक्ट्री। कप्सी से तो मुझे रिव्यू के लिए आए हैं क्लोथ, मैंने ही पसंद किए हैं रिव्यू के लिए। क्लब फैक्ट्री से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो मुझे चाहिए थी, लाइक ट्यूब ब्रा एंड कुछ कुछ उस टाइप के एक्सेसरीज, बेल्ट, गोल्डन बेल्ट एंड कुछ टॉप्स एंड जंपसूट, ये मैंने रिव्यू के लिए मंगवाए थे। तो वो क्लब फैक्ट्री का पार्सल आ चुका है, एंड ये कप्सी का आ चुका है। कप्सी वाली तो जब मम्मी लोग चली जाएंगी उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगी।
क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस हैं जो शायद उन लोगों को नहीं पसंद आए, और क्लब फैक्ट्री वाला तो मुझे जल्दी से जल्दी बना करके डालनी है क्योंकि वो ऑफ़र फिर निकल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कल ही मॉर्निंग में मतलब 10-11 बजे के आसपास जल्दी से तैयार होकर जल्दी से सूट कर लूँ क्लब फैक्ट्री की वीडियो, क्योंकि वो लोग आ जाएंगे तो उसके बाद नहीं कर पाऊँगी। शॉर्ट ड्रेसेस है, टॉप्स है, तो पता नहीं मम्मी के साथ नानी भी है तो हो सकता है उन लोगों को अच्छा ना लगे, इसलिए मैं कपसी वाली तो उनके जाने के बाद ही बनाऊंगी, क्लब फैक्ट्री वाली कल ही बना लूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। एंड अभी वो आ नहीं रहे हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ऐसे मार्केट जाना था, मैंने लिस्ट बना करके मैं रखी हुई हूँ क्या क्या लाना है, क्योंकि हम अभी वन वॉशरूम यूज़ करते थे, दूसरी वाली वॉशरूम में पेस्ट नहीं है, मतलब कोलगेट नहीं है, फिर हैंड वॉश नहीं है, हैंड वॉश की एक जो जार आती है ना, मतलब डीमार्ट में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है सस्ते दामों में, वो लेनी है, और थर्ड ब्रश होल्डर, ये तीन चीज़ें जो है दूसरे वाले वॉशरूम में नहीं है, तो एक वॉशरूम जो हमारे रूम के अंदर है वही हम यूज़ कर रहे थे, दूसरे वाले में यूज़ नहीं होता था तो उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें लानी है वहाँ के लिए। ऐसी यही सारी चीज़ें करने के लिए हमें जाना था, हमें डीमार्ट जाना था, हमें पजामुद्दीन जाना था वेजिटेबल्स के लिए, और कल फ्राइडे है तो कल वो लोग आ रहे हैं, तो मम्मी मैंने पूछा मम्मी से कि वेज बना के रखूँ या नॉन वेज, तो उन्होंने बोला चिकन बनाने के लिए, तो चिकन भी बनाना होगा कल रात में, तो कल का पूरा दिन बहुत ही बिजी जाने वाला है। अभी देखते हैं वो अगर 7 या 7:30 तक भी आ जाए तो 8 बजे हम लोग निकल जाएंगे, हाँ 8 बजे भी निकल जाएंगे तो सारे वेजिटेबल्स वगैरह एंड डी मार्ट से कुछ चीज़ें लेकर के आ सकते हैं। ऐसे भी मतलब वीक डेज में ना, अभी वीकेंड नहीं है ना, वीक डेज में डीमार्ट में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो सारा चीज़ जल्दी से मिल जाएगी हमें। एक डस्टबिन भी लेना है हमें इस वाले वॉशरूम के लिए, तो सारी चीज़ों की लिस्ट बना करके मैंने रखी हुई है ताकि कुछ भी भूलूँ ना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भूल जाती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने लिस्ट बना करके रखी हुई है। अभी देखते हैं कब आते हैं और फिर हम कब जा पाते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, मैंने एक बुद्धा कॉर्नर बनाया है कुछ एक्स्ट्रा सामान से, और मतलब मुझे उस चीज़ को रखने की जगह नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने उसे कैसे यूटिलाइज़ किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये आप देख सकते हो, ये है बुद्धा कॉर्नर, एक मिनट अभी तो फिर भी लाइट आ रही है, अदरवाइज लाइट नहीं आएगी तो ये जो आप देख रहे हो सॉल्ट लैम्प उससे बहुत अच्छी लाइट आ जाती है। यहाँ पे मैंने इस तरह से कैंडल होल्डर रखे हैं, यहाँ पे मैंने ये बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो जो प्लांट है उसे मैंने इस तरह से रखा हुआ है, उसके बीच में मैंने बुद्धा रख दिया है, और इसको मैंने क्या में रखा है ये आप देख लो, ये ना वैक्यूम क्लीनर की बॉक्स थी जिसमें सारे जिम के जो तंबल क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, जिम के जो भी बहुत भारी भारी आइटम होते हैं ना, तो इस बॉक्स को रखने की मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे रख दिया दरवाजे के सामने। उसके ऊपर मैंने ये प्लाईवुड रखा है जो कि अलमीरा में एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा स्पेस थी, उसे मैंने डिवाइड किया हुआ था, तो डिवाइडर को मैंने हटा दिया ताकि मैं हैंग कर सकूं कपड़े, तो ये मेरे पास ये प्लाईवुड आ गई, तो मैंने इस बॉक्स के ऊपर इस प्लाईवुड को रख दिया, उसके ऊपर मैंने प्लांट एंड बुद्धा एंड इस तरह से मैंने एक कॉर्नर क्रिएट किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे। यहाँ पर हमारे घर का एंट्रेंस और यहाँ पर ही मैंने इसे रख दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये जो दो चीज़ें वेस्ट हो रही थी ये आप देख सकते हो, ये बॉक्स मुझे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी एंड साथ ही ये प्लाईवुड, तो उसको मैंने टेबल बना दिया और टेबल के ऊपर इस तरह से मैंने सजा दिया। हे गाइस, तो अभी मैं अपने वीडियो के स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, सुबह से मैं बहुत सारे काम में बिजी थी, दोनों रूम को क्लीन करना, दोनों की बेडशीट चेंज करना, और कुछ कुछ ना बहुत टाइम से पिलो रखे मतलब पिलो कवर रखे रहने से ना बरसात का टाइम है तो उनमें थोड़ी सी महक आने लगती है, तो फिर से मैंने उन्हें धो करके फिर अभी सुखाया हुआ है, अभी सूख गए हैं, तो सभी के जो पिलो एंड कुशन के कवर मुझे चेंज करने हैं मतलब लगाने हैं, बेडशीट मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। और अभी मैं क्लब फैक्ट्री की वीडियो शूट कर रही थी तो बस हो गई है, और सारे बस अभी ट्राई ऑन करने हैं, 5 टॉप एंड ड्रेसेस हैं उनको ट्राई ऑन करना है, बाकी सारी चीज़ों के एक्सेसरीज़ हैं तो वो ट्राई ऑन करके सबको दिखाना मतलब अभी करना है, और मुझे आज ही करना है बिकॉज ये वीडियो मुझे जल्दी से जल्दी डालनी है, अदरवाइज सेल ख़त्म हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड आज ही मम्मी लोग आ रहे हैं, वो लोग रात के 9:30 बजे आएंगे। सो गाइस शूटिंग हो गई है खत्म, अभी बज रहे हैं 3:30 और अभी मैं जा रही हूँ किचन क्लीन करने, बस किचन ही क्लीन करना बाकी रह गया है और बस कुशन एंड पिलो कवर लगाने हैं। अभी मेरा अमेजन से पार्सल आया था तो वही मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे डेंटल फ्लॉस पिक मंगवाए हैं, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आई है, 149 इसकी प्राइस है, कोई भी डिस्काउंट तो मुझे इसमें नहीं मिला, बट इससे पहले जो हम यूज़ करते थे वो 99 रुपीज़ में, हमने 99 रुपया स्टोर जो होती है ना 99 ही ना
99 सुपर मार्केट जो हैदराबाद में थी, फॉरम मॉल में, वहाँ से हमने लिया था। तब उस टाइम पे एक आई थिंक डब्बे में थी 30 या 40 पीस थी, तो वो 99 रुपीज़ में मिली थी, 149 में मिली है। इसमें 50 फ्लॉस पिक है, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, ये जो फ्लॉस है इससे जो भी आपका खाना कभी फंस जाता है, खास करके फ्रूट एंड जो भी चिकन वगैरह हम खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो जो फंस जाते हैं ना दांतों में, उसे रिमूव करने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वो नहीं निकल पाती, टूथपिक से भी नहीं निकल पाती है, तो इससे वो निकल जाती है। एंड साथ ही आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे दी हुई है ये वाली, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वन टाइम यूज़ एंड थ्रो है, जिस तरह से टूथपिक आप यूज़ एंड थ्रो करते हो, ये डेली आपको तो काम में नहीं आएगी, लेकिन वही जब भी आप फ्रूट खा लेते हो और कहीं फंस जाती है ना दांत पे अंदर, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके लिए मैंने लास्ट टाइम मेरी खत्म हो गई थी और मैंने एप्पल खाया हुआ था, और एप्पल की जो छिलका वो मेरे एकदम पीछे वाले दांत में जाके फंस गई थी। जब कुछ चीज़ फंसी हुई रहती है ना दांतों में, तो मतलब बहुत ही बेचैनी होती है। बस मैं जीभ से बस उसे निकालने की कोशिश करी थी, टूथपिक भी वहाँ तक नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे इसे ऑर्डर करना है, तो मैंने अभी परसों ही ऑर्डर किया था, ये आज आ गई। और इसमें और एक क्या चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कि ये आप देख सकते हो जो फ्लॉस है ना, ये इसके ऊपर से मिंट की फ्लेवर लगाई गई है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल ये मिंट स्मेल कर रही है, तो दोनों साइड से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें टोटल 50 पीस हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगी। अभी लास्ट टाइम जो हमने परचेस किया था ना, वो 1 ईयर से ज़्यादा ही चल गई, क्योंकि रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, जब ज़रूरत पड़ जाती है लाइक नॉनवेज या फिर फ्रूट खाने के बाद कभी ज़रूरत पड़ जाती है, उस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये वाली मैंने मंगवाई है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी प्राइस है 149 रुपीज़। सो हम यहाँ भी आए हुए हैं, अभी अंदर जाएंगे, जो भी
कुछ दो तीन मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। ध्यान भग्न कर दिए, क्यूट लग रहे थे, फोटो लेते हैं। ध्यान मगन वाला ली? कौन ध्यान मगन? वो तो लास्ट टाइम लिए थे हम लोग। क्या ले लो? यही इधर वीडियो सब लोग तो बैठ के यहाँ ध्यान लगा रहा है। देखो इधर, देखो कोना कोना पकड़ लिया। ध्यान ध्यान लगाएगी पीछे के आगे भगवान के सामने है। मैं भगवान के साथ में। अच्छा हाथ बंद करो, ध्यान में रहो, स्माइल नहीं करो। देखो यहाँ से पीछे का दिखा रहे केला का पेड़ देखते हैं। केला खाता है ना सदगुरु? अरे यहाँ पर नारियल भी खा गला भी क्या पसंद है। सुना